देखते हैं आज की खास खबर। राजस्थान के लाडो ने अफगानिस्तान पहुंचकर मां को कहा ठीक हो और धमाके ने ले ली जान। सीएम गहलोत ने जताई संवेदनाएं। जोधपुर से देश सेवा के लिए अफगानिस्तान के काबुल गई जोधपुर की बेटी शिप्रा शर्मा की आतंकवादी हमले से मौत हो गई। वे आतंकवादी से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही थी। वे लंबे समय से एनजीओ से जुड़ी हुई थी। दरअसल जिस परिसर में वो रह रही थी उसी आतंकवादी ने आरडीएम से भरे ट्रक से उड़ा ही दिया। वहाँ की कई सारी इमारतें चंद मिनटों में मलबे में दब गई थी शिप्रा, जहाँ उसकी मौत हो गई। करीब 3 माह पहले सेवा के जज्बे के साथ वह काबुल गई थी। 9 वर्ष मनाने जोधपुर आई थी। 13 जनवरी को जोधपुर से वापस काबुल निकली थी, लेकिन अगले दिन 14 जनवरी को शाम काबुल के ग्रीन विलेज कंपाउंडर जहां वह रह रही थी वहां उसकी मौत हो चुकी थी। आज जोधपुर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा। वहीं परिजनों को शिप्रा के घायल होने की सूचना मिली थी, लेकिन बाद में भारतीय दूतावास ने परिजनों को उसकी मौत की सूचना दी थी। परिजनों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मदद की मांग की थी। वहीं शेखावत के प्रयासों से शुक्रवार दोपहर तक शिप्रा का शव जोधपुर पहुंचेगा। 14 तारीख को मां को वीडियो कॉल कर पहुंचने की जानकारी दी थी, लेकिन कुछ देर बाद धमाका हो गया था जहां उसकी मौत हो चुकी थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई संवेदनाएं, इस घटना पर दुख जताया है, साथ ही साथ दुख परिवार को ढाढ़स बताया। आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है, जिसे एक साथ मिलकर पराजित करना होगा। शिप्रा के लिए समाज सेवा बनी प्राथमिकता। शिप्रा कुछ अलग करने की चाहत रखती थी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।